दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी फ़ोटो से स्टेटस वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं सॉन्ग के साथ में। दोस्तों अगर आप भी अपनी फ़ोटो से स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। दोस्तों जैसे प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपको सिंपली अपने सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है मस्त। दोस्तों जैसे सर्च करेंगे आपके सामने ये मस्त एप्लीकेशन आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये एक वीडियो मेकर एप्लीकेशन से जहाँ से आप स्टेटस वीडियो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अपनी फोटो से। इस एप्लीकेशन को सिंपली यहाँ पर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को यहाँ पर अपने फ़ोन में ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे यहाँ पर टैबलेट देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर इस एप्लीकेशन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर कई सारी कैटेगरी भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको सिंपली अपनी जो भी यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है उस कैटेगरी को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे उसमें आपको सिंपली यहाँ पर जिस किसी कैटेगरी को अपनी फोटो से वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं उस टैबलेट को सिंपली यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों मैं इस टैबलेट को यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। दोस्तों जैसे टैबलेट को आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने एक छोटी सी ऐड जाएगी, ऐड को आपको क्लोज करना है। दोस्तों जैसे ही ऐड को क्लोज करेंगे आपको सिंपली अपनी फोटो से वीडियो करने के लिए आपको यूजुअल ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यूजुअल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने फिर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपकी फोन की जो भी गैलरी रहेगी वो गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको सिंपली अपनी फोटो सेलेक्ट करनी है। आप जिस किसी फोटो का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं उन फोटो को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। दोस्तों जैसे फोटो सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके समय पे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपकी फोटो से यहाँ पर स्टेटस वीडियो क्रिएट होकर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर मेरी फोटो से स्टेटस वीडियो यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर सॉन्ग रहेगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सॉन्ग इस पर ऐड हो जाएगा। जो टेम्पलेट में सॉन्ग रहेगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक सॉन्ग ऐड हो जाएगा। दोस्तों अगर आप दूसरा सॉन्ग भी ऐड करना चाहते तो भी आप कर सकते हैं। दूसरा सॉन्ग ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सॉन्ग का, सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सॉन्ग वाले। दोस्तों जैसे सॉन्ग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना पड़ेगा मोर का, मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके फोन के जो भी यहाँ पे सॉन्ग रहेंगे वो सॉन्ग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको सिंपली अपने सॉन्ग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दोस्तों जैसे सॉन्ग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, दोस्तों जैसे ही यहाँ पे सॉन्ग के ऊपर क्लिक करेंगे उसमें आपको यूजुअल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका सॉन्ग जो भी रहेगा जो आपने गैलरी से सॉन्ग किया वो यहाँ पे सॉन्ग यहाँ पे सेट हो जाएगा। उसमें आपको सिंपली इस एप्लीकेशन का यहाँ पर आप वाटरमार्क देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मस्त एप्लीकेशन का यहाँ पर वाटरमार्क है। तो इस वाटरमार्क को आपको हटाने के लिए जो वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो का यहाँ पर वाटरमार्क है इस एप्लीकेशन का, यहाँ पे वीडियो अच्छे से नहीं दिख रहा है, यहाँ पे वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर डाउन हो रही है तो वीडियो यहाँ पे अच्छा भी नहीं दिखेगा जो भी वाटरमार्क रहेगा। तो इस वाटरमार्क को आपको सिंपली यहाँ से हटाना है। हटाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको मस्त के ऊपर यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रॉस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसमें आपको वॉच वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही वॉच वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक छोटी सी ऐड जाएगी, इस ऐड को आपको सिंपली पूरा वॉच करना है। दोस्तों जैसे इस ऐड को यहाँ पर पूरा वॉच कर लेंगे आपके जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन का वाटरमार्क रहेगा वो वाटरमार्क यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक छोटी सी ऐड जा चुकी है, इस ऐड को आपको पूरा वॉच करना है। दोस्तों जैसे इस ऐड को यहाँ पर पूरा वॉच करेंगे एप्लीकेशन का जो भी वाटरमार्क रहेगा वो वाटरमार्क यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड का जैसे यहाँ पर टाइम खत्म हो जाता है ऐड को सिंपली यहाँ से आपको क्लोज करना है। दोस्तों इस ऐड को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही ऐड को यहाँ से क्लोज कर देंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं मस्त एप्लीकेशन का यहाँ पर वाटरमार्क यहाँ पे हट चुका है। तो सिंपली उसके बाद में आपको इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव करने के लिए आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऊपर की तरफ आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक छोटी सी ऐड जाएगी, फिर से इस ऐड को सिंपली यहाँ से क्लोज करना है। दोस्तों जैसे ऐड को क्लोज करेंगे आपके सामने यहाँ पे वीडियो यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे गैलरी में यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ यहाँ पे परसेंटेज चल रही है, यहाँ पर 100% होने के बाद आपके भी यहाँ पे वीडियो रहेगा वो यहाँ पे गैलरी में शेयर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100% हो रहा है। दोस्तों जैसे ही यहाँ पे 100% हो जाएगा वीडियो गैलरी में शेयर हो जाएगा तो आपको मेरी मैं गैलरी में जाके यहाँ पर आपको दिखा दूंगा कि मेरा वीडियो यहाँ पे गैलरी में शेयर हुआ है नहीं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे 100% हो चुका है। अब यहाँ पे मैं मेरी गैलरी में जाके आपको दिखा देता हूँ कि वीडियो यहाँ पे मेरी गैलरी में शेयर हुआ है नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मेरी गैलरी ओपन कर ली। दोस्तों यहाँ पर आपने मेरी गैलरी ओपन कर ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा देना हूँ यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो मेरे यहाँ पर क्रिएट होकर आ चुका है मेरे फोन में। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों
या फिर वीडियो क्रिएट होकर मेरी गैलरी में यहाँ पर शेयर हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी अपनी फोटो से स्टेटस वीडियो क्रिएट कर सकते हैं सॉन्ग के साथ। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें, अगर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो और एप्लीकेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और दोस्तों आपने चैनल को अपनी सब्सक्राइब भी किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर दो ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।